जांच के लिए कहा है कि यदि कोई पुलिस वाला, यदि वो लालू जी का अंगरक्षक हो, राबड़ी देवी जी का अंगरक्षक हो, इसकी जांच होनी चाहिए। और क्यों जाएगा कोई? बूथ पर सोनिया आचार्य गई और वहाँ पर दो दो बार गई और बूथ को डिस्टर्ब किया, लोगों को भड़काने का काम किया, लोगों के साथ तुतु मैमे करने का काम रोनी आचार्य ने किया, तो इस पर कार्रवाई होगी, जांच की प्रक्रिया चल रही है। ये पार्टी की कार्रवाई है। पार्टी स्वाभाविक तौर पर पार्टी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है तो पार्टी के स्तर पर ऐसी कार्रवाई होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोर नेशन, मैं हूँ आपके साथ नरोत्तम सिंह। भोजपुरी के पावर स्टार कहे जाने वाले अभिनेता पवन सिंह को भाजपा ने आज निष्कासित कर दिया है। पवन सिंह काराकाट से निर्दलीय चुनावी मैदान में थे। इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि पवन सिंह पार्टी के खिलाफ गतिविधि कर रहे थे, अगर कोई भी पार्टी के खिलाफ गतिविधि करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा। वहीं सारण की घटना को लेकर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने कहा कि रोहिणी आचार्य जिस बूथ पर जाती है उसके बाद वहाँ हिंसा शुरू हो जाता है, इसकी जाँच हो रही है, जांच का जो रिपोर्ट आता है उस पर कार्रवाई होगा। रोहिणी आचार्य के साथ लालू राबड़ी का जो सुरक्षाकर्मी है वो घूम रहे हैं, तो इधर पाटलिपुत्र में भी मीसा भारती के साथ जो लालू राबड़ी का सुरक्षाकर्मी है वो घूम रहे हैं। इन सब की जांच होगी, उसके बाद कार्रवाई किया जाएगा। क्या कुछ कहना है सम्राट चौधरी का, आप सुनिए इस वीडियो में। वीडियो सॉन्ग के माध्यम से जो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने काम किए वो वीडियो थीम आपको उपलब्ध कराया गया और इस मंच पर उपस्थित कला मंच के संयोजक आदरणीय वरुण सिंह जी, प्रभारी कमलजीत जी, मीडिया के प्रभारी दानिश इकबाल जी, सूरज जी, पार्टी की प्रवक्ता पूर्व विधायक उषा विद्यार्थी जी और यहाँ सभी मीडिया के साथी जी, इस वीडियो के माध्यम से जो मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में जो काम किया है उसके पूरे चित्रण आपको एक गाने के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है और बिहार की जनता को भी बताने का काम किया गया है कि अब की बार 400 पार क्यों करना चाहिए। वैसे मोदी जी को लगभग 400 सीटें पिछले 10 वर्षों से लगातार देश की जनता देते रही है और एनडीए के स्वरूप में कभी 350 जीते, कभी 325 जीते, लेकिन इसके बावजूद देश में जब भी कोई संशोधन की जरूरत पड़ी तो लगभग 400 सांसदों ने मदद करने का काम किया है। इस बार नरेंद्र मोदी जी ने सबसे आशीर्वाद मांगा है कि 400 पार कराना है और जनता की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए जो वादे किए गए, जो अधूरे सपने हैं उसको पूरा करना है। इसलिए मैं अपने पार्टी के कला मंच के पूरी टीम को, इसमें जिन लोगों ने गायन का काम किया उसको भी धन्यवाद, उन लोगों को भी धन्यवाद देता हूँ कि नरेंद्र मोदी जी जो देश को विकसित भारत, संपूर्ण भारत, श्रेष्ठ भारत बनाने का सपना देख रहे हैं उसमें एक अहम योगदान देने का काम किए, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, हम लोगों ने जांच के लिए कहा है कि यदि कोई पुलिस वाला, यदि वो लालू जी का अंगरक्षक हो, राबड़ी देवी जी का अंगरक्षक हो, इसकी जांच होनी चाहिए। और क्यों जाएगा कोई? इतने लोग, इतने पुलिस वाले कैसे घूम रहे उसके साथ, यह जांच का विषय। और यहाँ भी अभी शिकायत हमें मिली है कि पाटलिपुत्रा में भी लालू जी के अंगरक्षक और राबड़ी देवी के अंगरक्षक मीसा भारती के साथ घूम रहे। ये सारे चीज़ों की जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है और जांच करने के बाद तुरंत कार्रवाई किया जाएगा। और बूथ पर, एक ही बूथ पर यदि कोई दो बार कैंडिडेट जाकर बूथ को डिस्टर्ब करता हो यह अत्यंत ही दुर्भाग्यपूर्ण। अच्छा, एक चीज बताइए आप हमको, आप बूथ पर डिस्टर्ब करने वाले कौन होती है? आप यदि उम्मीदवार हैं तो शांतिपूर्ण मतदान होने चाहिए, पूरे जिले में कहीं भी इस तरह की अप्रिय घटना नहीं घटी,
सिर्फ उसी बूथ पर जिस बूथ पर रोनी आचार्य गई और वहाँ पर दो दो बार गई और बूथ को डिस्टर्ब किया, लोगों को भड़काने का काम किया, लोगों के साथ तुतु मैमे करने का काम रोनी आचार्य ने किया, तो इस पर कार्रवाई होगी, जांच की प्रक्रिया चल रही है। ये पार्टी की कार्रवाई है। पार्टी स्वाभाविक तौर पर पार्टी के खिलाफ कोई चुनाव लड़ता है तो पार्टी के स्तर पर ऐसी कार्रवाई होती है। बहुत बहुत धन्यवाद।